इसके अंदर भी चार्जिंग मॉड्यूल है TP405 का, पीस 30 रुपये का पड़ा था ऑनलाइन। बूस्टर मॉड्यूल ये मेरे को 72 रुपये पर पीस के हिसाब से पड़ा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग की है, तो ये मैंने सारे एक साथ नहीं मंगवाया, तो अलग अलग करके सारे जितने भी कंपोनेंट्स सारे इसमें मैंने पार्सल के अंदर डाल दिए जो मैंने रिसेंटली दराज से परचेज की, तो उन सब की मैं आपके साथ डिटेल और इसकी प्राइसेस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो इसके अंदर बस यही था और एक ये मॉड्यूल पड़ा था, तो इन सारे की प्राइस और डिटेल मैं आपको इसके वीडियो के अंदर शेयर करूँ, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना और चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास है TP40 चार्जिंग मॉड्यूल टाइप सी वाले, देख सकते हैं आप, ये मैंने ऑनलाइन दराज से परचेज किए हैं। तकरीबन इसमें जितने सारे सामान हैं आधे से ज़्यादा तो मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया हुआ है, और ये मुझे पर पीस 30 रुपये का पड़ा था ऑनलाइन, और इसका बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितना को हो सकेगा मैं आपको बाय लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये है हमारा टाइप सी के अंदर। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं हम, ये मैंने एक मंगवाया था 1 ईयर स्लीपर, ये मुझे 600 रुपये का पड़ा था, इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, और ऑन यहाँ से ऑन ऑफ हो गई, ये भी बहुत चीप रेट में है, लेकिन ये प्लास्टिक का है, लेकिन प्लास्टिक के हिसाब से डिजिटल भी है, लेकिन तो 600 रुपये इसकी वर्थित प्राइस है। बाय लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर करना। नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ, ये एम्पलीफायर बोर्ड है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर का, ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ किया था 250 रुपये का, आप देख सकते हैं इसमें हम USB भी लगा सकते हैं अपना मेमोरी के अंदर। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, ये कुछ USB बल्ब हैं जो कि मेरे को शायद 30 रुपये का एक पड़ा था, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो इसके अंदर है कुछ, इसके अंदर भी चार्जिंग मॉड्यूल है TP405, ये भी मुझे 30 रुपये पर पीस के हिसाब से मिले थे, और इसके अंदर कुछ ये पावर बैंक मॉड्यूल भी हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, 3 मेरे पास पावर बैंक मॉड्यूल भी हैं सिंगल USB वाले, ये मुझे 50 रुपये या 60 रुपये पता नहीं इसके साथ से मिला। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास एक है कोब लाइट, जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है, आप देख सकते हैं, अच्छा ये है 220 हमारी डायरेक्ट, आप देख सकते हैं न्यूट्रल और फेस के, यहाँ पे हम सोल्डिंग करके 2 पॉइंट निकाल के यहाँ पे वायर कनेक्ट करके डायरेक्ट 220 से चला सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, इसके वो ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, ये मेरे को पड़ी थी 250 या 300 की तरह। और ये है हमारी रोटेटरी कूलिंग केस, जो कि हमारी टेबल वेबल होती है उसमें ये फ्यूज वगैरह काम आते हैं बहुत सारे, देख सकते हैं और इसके अंदर कितने टाइप के DIY टूल्स वगैरह हैं जिसको हम फिनिशिंग वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। और ये मेरे को 400 रुपये का पड़ा था। इसके बाद एक मैंने ये हेडलैम्प मंगवाया था, देख सकते हैं ये 170 का था, पता नहीं या 200 का था, ये इसी के करीब तो इसकी प्राइस थी। इसके अंदर हमारे 3 सेल डलते हैं AAA साइज़ के, ये भी प्लास्टिक है, अच्छी क्वालिटी है इसका, इसका भी बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारे कुछ बूस्टर मॉड्यूल, अच्छा इसको मैंने लास्ट टाइम मार्केट में गया था, मार्केट से परचेज किया था, 150 रुपये पर पीस के हिसाब से मिला था मेरे को, वो ये है हमारा बूस्टर मॉड्यूल, ये मेरे को 72 रुपये पर पीस के हिसाब से पड़ा है ऑनलाइन, ये मैंने 720 की शायद मंगवाया, 10 पीस थी टोटल, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, ये मैंने चाइना से मंगवाए थे थ्रू दराज, और ये मेरे को 170 रुपये का पड़ा था। ये है हमारा लिथियम आयन बैटरी चार्जर, ये लेकिन ये 2S है, आपको मैं दिखाता हूँ, अच्छा इसमें यहाँ पे मेंशन हुआ है
2S 4 Ampere, आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। अच्छा, इसमें 3S भी आता है और 4S वाला भी आता है, सेम प्राइस ही है उसके भी, तो उसको भी चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, ये मैंने एक मंगवाया था ह्यूमिडिफायर किट, ये कंपनी का, इसको मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, टेस्ट भी कर चुका हूँ, उसको मैंने दोबारा रिपेयर कर दिया था। मैं आपको दोबारा चेक कराता हूँ कहाँ से होगा ये ओपन। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास ये चार फॉर्म, ये हमारा ह्यूमिडिफायर पूरा सर्किट वर्किट कम्प्लीट है, इसमें हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट वगैरह ऐसे बना सकते हैं। ये मैंने दराज से अलग से परचेज़ किया था, चाइना वाइना से कहीं से नहीं मिला है, ये मेरे को 600 रुपये का पूरा किट मिली हुई है, कम्प्लीट सामान के साथ है, देख सकते हैं। ये चार टोटल इसके कॉस्टिक फॉर्म है जो इसमें रख के मैं इसको ह्यूमिडिफायर को फॉग में कम्प्लीट करती हूँ, मतलब ये पूरी ह्यूमिडिफायर किट है, तो ये मेरे को 600 रुपये की पड़ी, चाहे तो बाय कर सकते हैं आप। और ये एक हमारी ड्रिल चंक है, ये है मेरे ख्याल से, टू पॉइंट थ्री एम एम, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन हो गया 2.35। तो ये हमारी जो छोटी LDC मोटर होती है 130 में 365 DC मोटर जो है नंबर, उसमें ये आराम से चेक लग जाता है, देख सकते हैं आप। ये मेरे को 200 रुपये का पड़ा था। और एक ये USB फेरी लाइट है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये, लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसको मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ। और ये मेरे को पड़ी थी 200 रुपये की तकरीबन, हाँ इसी बार 200 रुपये की पड़ी थी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी। ये है मेरे पास लिथियम आयन बैटरी चार्जर, ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया दराज से, और ये मेरे को पड़ा था 200 रुपये का, 200 या पता नहीं 250 इसी के। ये है हमारे पास एक कटिंग सो ब्लेड, ये भी हमारे बहुत काम आती है, लेकिन अभी तक मैंने इसका टेस्ट नहीं किया। इसमें हमारे पास ये इसके अंदर इसकी सारी ब्लेड लग जाती है, और ये इसकी सारी ब्लेड्स वगैरह। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा है पेपर कटर, ये भी मेरे को बहुत चीप प्राइस में मिला था। अच्छा, इसके अंदर मैं आप मज़े की बात बताता हूँ, साथ में हमें इसकी ब्लेड्स भी थी मिली, टोटल ये इसके अंदर एक्स्ट्रा 10 ब्लेड भी मिलती हैं इसी के साथ जो इस बॉक्स के अंदर है। ये मेरे को 170 रुपये का पड़ी थी पेपर कटर, तो मैं दिखा देता हूँ इसकी क्वालिटी, देख सकते हैं। अच्छा, जितना का हो सकेगा मैं आपको बाय लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये है एक हमारा स्क्रू ड्राइवर, एलुमिनियम वाला, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी वाला, ये मेरे को 300 रुपये का पड़ा था शायद। अच्छा, इसके अंदर सारे इसके बीट इसी के अंदर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, ये हमारा 12 वोल्ट का BMS, आप लोग बहुत लोग जानते हैं इसको, ये मेरे को 200 रुपये का पड़ा शायद। अच्छा, एग्जैक्ट मेरे को प्राइस याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं, मैंने बहुत पहले के मंगवाए हुए थे, तो मैंने आपसे आपके साथ रिव्यू कर दूँ। ये है हमारा स्टेप डाउन मॉडल, ये अच्छा ये मुझे याद है, 420 मैंने 2 पीस मंगवाया, और वैसे अगर ये मार्केट से इंडिविजुअल लो तो ये आपको 400 का ही मिलता है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। इससे अच्छा हम इससे वोल्टेज और इसके एम्पेयर दोनों इससे एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कोई अगर हम पावर सप्लाई बनाना चाहते हैं उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। और पावर सप्लाई बनाने के लिए मैंने ये भी मंगवाया था वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर, जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है, ये भी 250 रुपये का मेरे को पड़ा है, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये थे मेरे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, सो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, अल्लाह हाफिज़।